जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले क्योंकि बाद में यादें आती हैं वक्त नहीं नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर शो में जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शिक्षितों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास विकास विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना और दर्शकों आज की कड़ी में हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुराग डोभाल जो कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड से हैं और आज एक विश्व प्रख्यात जाने मानी हस्ती हैं तो आइए होते हैं उनसे रूबरू हेलो अनुराग कैसे आप हेलो मैम कैसे हैं बढ़िया बिल्कुल बढ़िया अनुराग और अनुराग एक छोटे से शहर देहरादून से बिलोंग करते हैं और आज इतने पूरे विश्व में आपका नाम है ह्यूज़ फैन फॉलोइंग तो पूछना चाहेंगे कि तो जर्नी है आपने कब और कैसे शुरू करी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि छोटा सा शेयर यू के जीरो सेवन सो बेसिकली इस जर्नी की स्टार्ट मैंने 2018 में करी थी आई यूज टू बी मेरे पापा टीचर हैं मैं बहुत बैक से शुरू करता हूँ तो पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं एंड ही इज़ अ प्रोफेसर बाय द बे सो द थिंग इज़ मेरे को हमेशा से सपना था कि मेरे को भी टीचर ही बनना है पापा की तरह सो टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन को आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए इकनॉमिक्स एम कॉम प्लस सी एस सी एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने ट्राई करा था बट फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा यूट्यूब करियर शिफ्ट हो गया तो फिर वो मेरे को बीच में छोड़ना पड़ गया था सो टू थाउजेंड फिफ्टीन में आई गॉट माई ट्वेल्थ कम्पलीटेड अच्छा उसके बाद आई स्टार्टेड माई कॉलेज एंड मैंने अपना कॉलेज डी ए बी पी जी कॉलेज देहरादून गवर्नमेंट में जाने का सपना था क्योंकि uh, मेरे को हमेशा से था कि यार मेरे को ना पढ़ाई के फील्ड में कुछ ना कुछ करना है अच्छा सो so स्टार्टिंग से मैं पढ़ाई की तरफ बहुत सीरियस था ट्वेल्थ में आई स्कोट नाइन्टी नाइन परसेंटाइल उस टाइम टाइमटाइल सिस्टम लॉन्च हुआ था तो आई हैड नाइन्टी फाइव परसेंट इन द टॉप फोर सब्जेक्ट्स नाइनटी नाइन उसमें फर्स्ट फर्स्ट ईयर था जिसमें सी बी एस सी में परसेंटेज छोड़ करके दे व सी जी पी ए ग्रेड सो बहुत डर लग रहा था उस साल भी कि क्या होगा कैसे होगा बट देन मेरे को था कि मेरे को पढ़ाई करनी है दिस ऑल जर्नी वेन टू टू थाउजेंड मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम कॉम एम एक्नॉमिक्स का मैंने इवन uh, मैंने बी एड कंप्लीट करा है सो so, मैं पढ़ाई में ही इंडल्ज था उस टाइम पीरियड तक देन वी टॉक अबाउट टू थाउजेंड एंड नाइनटीथ दैट वॉज द फर्स्ट डे वैन आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन माई चैनल मैंने नॉर्मल व्लॉग्स बनाने शुरू करे एंड मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि जो मैं बना रहा हूँ उन्हें व्लॉग्स कहते हैं सो so, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि बस जो भी मेरे आस पास चल रहा है उसी को आई यूज टू शो ऑन द इंटरनेट मैं घर की वीडियोज़ बनाता था उस टाइम मेरे पास एक बाइक थी आर सी टी के टी एम आर सी टू हंड्रेड सो दैट वो दैट इज़ लाइक अ ड्रीम बाइक फॉर एवरी वन जितने भी बच्चे मतलब जब आप टेन ट्वेल्थ में होते हो ना हमारे ज़माने में आप तो बहुत सारी सुबह बाइक्स ऑलरेडी आ गई हैं टेन ट्वेल्थ के बच्चों के पास बट उस टाइम ऐसा हुआ करता था कि अगर आपके पास के टी एम है तो आप बहुत क्रेज अब क्रेजी पर्सन हो कॉलेज में आपका रौला हो जाएगा ट्वेल्थ निकलने के बाद ट्वेल्थ तक तो वैसे भी घर वाले गाड़ी नहीं दिलाते सो आई गॉट माई फर्स्ट बाइक बैक इन टू थाउजेंड नाइनटीन फिर देन आई स्टार्टड मेकिंग ब्लॉग्स ऑन इट मैंने लद्दाख कम्प्लीट करा आई एव डन अ शॉर्ट राइड्स टू जयपुर लखनऊ आगरा बहुत छोटे छोटे राइड्स कम्प्लीट करी देन मैंने फैमिली ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू करा नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉर द बेस्ट ट्वेंटी वन जनवरी तक सब कुछ बेस्ट चल रहा था फिर देन यू टॉक अबाउट ट्वेंटी वन कोविड आया था राइट ट्वेंटी वन फेबर या मार्च में आई गेस कोविड का पहला लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था आई डोंट रिमेबर द एग्जैक्ट डेट्स बट देन आफ्टर दैट सीक्वेंस मैं यूट्यूब भी कर रहा था मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा था और मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट था

ट्वेंटी वन वी आर टॉकिंग अबाउट हम लोग स्टार्ट ही कर रहे थे उस टाइम एक होक्स उड़ था कि एक वायरस आ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट वायरस ऐसा मूवी वाला सीन जनरेट हो रहा था कि यार ऐसे तो हम लोगों ने मूवीज में सुना था कि अब पूरी दुनिया बंद हो रही है एंड एक्चुअली में शेड गॉट रियल इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर लाइक टू थ्री मंथस फ्राम फेबररी या जनवरी mm. चीज़ें शट डाउन होना शुरू हो गई So, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वॉज ऑन माई जॉब यहाँ पर एक कॉलेज है एस आर एच यू आपने सुना होगा मेडिकल कॉलेज भी है hmm. एक हॉस्पिटल भी है बहुत बड़ा उत्तराखंड का सो hmm. so, वहां पर I, को ए, एक, hmm. एक एक घंटे का लेक्चर मिलता था आई यूज़ टू टीच कॉस देयर एंड टैक्स देयर एक एक घंटे काजुकेशनली क्वालिफाइड टू टीच देर ऑन पेपर्स आई वॉज अस ट्वेंटी फोर में इतना पेपर्स तो में, में नहीं दिखा सकते थे सो वॉट हैपन सबसे पहली चोट थी मेरी जॉब सबसे पहले मेरी जॉब गई फिर एक स्कूल था जहाँ पर ऐसा था कि मैं सुबह आठ बजे से 11:30 थर्टी तक used टू टेक टू थ्री क्लासेस और फिर मैं घर आता था एक घंटे के लिए रेस्ट करता था फिर उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाता था फ्रॉम थ्री थर्टी टू सेवन थर्टी इवन एट थर्टी तक मैंने रात तक मैचेस लिए हैं टेन ट्वेल्थ के बच्चों के लिए सो so, सबसे बड़ा हिट मेरे लिए लॉकडाउन uh, में वॉज माई जॉब मैं वीडियोस डाल रहा था उस टाइम पीरियड तक मतलब हफ़्ते में सैटरडे में को सैटरडे संडे में को फ्री मिलता था तो सैटरडे संडे आई यूज़ टू अपलोड वीडियोस एंड महीने में आप ये ले लीजिए कि दो वीडियोस तीन वीडियोस का भी खुशकिस्मती रही तो चार वीडियोस तक आई यूज़ टू अपलोड बट देन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जॉब चली गई इंस्टीट्यूट बंद हो गया घर वालों ने बच्चे ट्यूशन में भेजना बंद कर दिया तो पहले मैं जहाँ हफ्ते में एक वीडियो अपलोड किया करता था दो वीडियो अपलोड किया करता था अब वहीं पर हफ्ते में मैंने शुरू कर दिया था आई मेकिंग मोर मोर फॉर द पीपल और एडिट भी खुद ही करते थे? हाँ जी मेरा मेरा स्टार्टिंग से एंड तक का अभी तक एडिटिंग uh, मैं ही संभालता हूँ अब जा करके मेरे पास मेरी टीम में हो गए हैं लाइक uh, like मेरे साथ के भाई लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा काम संभालने लग गए हैं क्योंकि अभी बर्डन जब आप स्टार्ट करते हो आप छोटे रहते हो आपके एम्पायर्स छोटे रहते हैं आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड रहती है सो so, मेरा एक ही काम था ब्लॉग बनाना व्लॉग अपलोड करना ब्लॉग बनाना ब्लॉग अपलोड करना बट व पीरियड ऑफ टाइम मैंने ग्रो अप तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती है आई गेस लास्ट ईयर तक मैंने खुद के ब्लॉग्स खुद ही अपलोड करे अभी भी मैं ही फाइनल एडिट मैं ही करता हूँ बट अब मेरे पास ऐसा रहता है कि मेरा मेजर काम मेरी टीम मेरे को हैंड ओवर करके दे देती है सो mm देन -hmm. so, लोगों को कॉन्टेंट पसंद आना शुरू हुआ वीटा लाइक ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वी वी हैड लाइक हंड्रेड के ऑन आर चैनल 2022 में हम लोगों ने शायद कितना मिलियन हिट करा, hmm. करा था फिर उसके बाद right तो कितना प्रेशर होता है अनुराग कि हमको डेली कंटेंट चाहिए एंड जो आजकल के जो ऑडियंस है आई एम श्योर समथिंग फ्रेश सो हाउ मच फील कि मुझे तो इसमें अब, आपका हो चुका है सो हाउ डू यू मैनेज दिस सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ रादर देन कॉन्टेंट पे फोकस करने के बजाय मैंने अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करना hmm. शुरू करा अब सपोज दिस इज ऑल्सो आपनेल्सो गो इन माई ब्लॉग छोटी 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 चीज़ें विल गो आउट टू द ब्लॉग सो टू ऑल द न्यू क्रिएटर जो ये सोचते हैं कि हमें कॉन्टेंट ढूंढना है आपको ना कॉन्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है hmm. आपको अपना लाइफ स्टाइल ढूंढने की जरूरत है सब लोगों के लाइफ स्टाइल है मैं आ, एक आप मेरी बात छोड़ो मेरे पास आज की डेट पर सुपर बाइक सुपर कार्स हैं मैं कॉन्टेंट अराउंड उनके अराउंड होव कर लेता हूँ बट देर इज अ गाय फ्रॉम अ विलेज मैं उसके ब्लॉग्स देखता हूँ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा वो गाँव mm. में उठता है वो चूल्हे में अपना खाना बनाते हैं एंड वो अपनी वाइफ के साथ रहता है वो सारे सुबह से शाम तक का वो हर एक चीज पोस्ट करता है एंड एट द एंड ऑफ द डे ही डेज भाई अब यू नो दिस इज दिस वॉज ऑल माई कॉन्टेंट फॉर द डे नो लग्जरी लाइफ नो सर्विस नथिंग इंटरनेट अब फ्री हो चुका है इंटरनेट में इंटरनेट इज द ओनली की फॉर दम जो जिसके कारण ही इज यू नो ब्रॉडकास्टिंग इज कॉन्टेंट टू अस एंड उसके मैं उसका कॉन्टेंट फॉलोअप करता हूँ तो मैं उसके कॉन्टेंट में उसकी लग्जूरियस चीज़ के लिए फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ हाँ देर इज अमाउ अ एलिड क्लास जो आपको लग्जूरियस कॉन्टेंट के लिए फॉलो करती है बट मेरा कॉन्टेंट रादर देन लग्जरी इस काइंड ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड हैव कम अप्राम देयर सो मेरे लिए वो चीज़ें खड़ी करना वॉज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो मेरे से हजार गुना टैलेंट लोगों के अंदर है तो मेरे से हजार गुना बेटर आप कर सकते हो सो आई मेरा मेन फोकस है लाइफ स्टाइल पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पॉइंट पे आप ये बोलोगे कि लाइफ स्टाइल बोरिंग हो जाती है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपना कॉन्टेंट बीस इक्कीस साल में <laughs> शुरू कर दिया था आई ट्वेंटी सेवन राइट नाउ अब लाइक यू नो एट दैट पॉइंट जहां पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और खुलेंगी आगे फैमिली और बढ़ेगी आगे सो लाइफ स्टाइल चेंज होगा एंड दैट इज वॉट अनुराग बिक आपने यूट्यूब को अपना एक परमानेंट करियर बना दिया है जी. बीच में हमने देखा जैसे टिकटॉक था उसमें काफी लोगों ने कॉन्टेंट डाला काफी फेमस हुआ अचानक से रातों तो रात वो बंद हो गया एप्लीकेशन सो वॉट आई मीन गॉड फॉर बीटन आई मीन अगर ऐसी चीज हो जाए कि अचानक से यूट्यूब बंद हो जाए और हमारी गवर्नमेंट बोले कि नहीं हम कुछ सिर्फ एजुकेशनल ही चीज़ें को दिखाना बिकॉज रेवोल्यूशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है सो हाउ वुड यू टैकल विद दैट तब तो आपका अपकमिंग्स करियर फिर बंद हो जाएगा देन वॉट इज द प्लान बी विच यू हैव इन योर माइंड सो लाइक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आई हेड इन यर्स क्योंकि जितने भी लोग इंटरव्यू करने आते हैं ना उनका रहता है कि भाई आप फेमस हो आप आज की डेट में पैसा कमा रहे हो बट <laughs> मेरा भी यही माइंड सेट है सी ए प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन है ऑनलाइन कब कोई चीज गायब हो जाए टिकटॉक एज यू सेड अ प्राइम से रात गायब हो गया एंड अगले दिन लोगों के पास इन्वेस्ट लाइक like, कोई भी रेवेन्यू सोर्स नहीं था <laughs> मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ मैंने स्टार्टेड सो आई हैड दिस इन माइंड कि भाई हम लोग सी मैं आपको मैं मिडिल क्लास शब्द इसलिए बोल रहा हूँ अमीरों को फ्यूचर की टेंशन नहीं होती गरीबों को आज में जीना होता है मिडिल क्लास लोग वो लोग होते हैं जिन्हें आज में भी जीना होता है फ्यूचर की भी टेंशन होती है सो so, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू क्लास दट अंड टू दैट कटगरी बिकॉज मैं उस कैटेगरी से हूँ जहाँ पर जब मैंने स्टार्ट करा था ना hmm. मेरी जब जॉब चली गई थी मेरे अकाउंट में केवल और केवल आई थी मुझे लगता है चालीस पचास हज़ार रुपये होंगे मैंने उस सिचुएशन से आकर के आज आप मेरे को बोलोगे कि भाई एक चालीस पचास लाख की गाड़ी खरीदनी है आई वोट थिंक टू आइस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दट आई डेटेड इन द पास्ट आज की डेट पर अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम टच फुड भगवान करे कभी किसी का बनना हो बट अगर मैं एक पॉइंट तक क्वेट करके मैं अगर घर में भी बैठा रहा हूँ ना तो मेरी अगली तीन पीढ़ियाँ खा सकती हैं क्योंकि मैंने मैं मैं नहीं बोलूँगा मैंने यूट्यूब से कमाया ऑब्वियसली बात है मैंने यूट्यूब से कमाया बट आई इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इनॉमी बी एट रियल स्टेट बी एट शेयर्स बी एट क्रिप्टो बी एट एनीथिंग तो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंसान को दो ही चीज़ें खा सकती है एक गरीबी और एक बीमारी भगवान मतलब भगवान का इतना है कि पापा ने इतना कमा रखा कि हमने इतना कमा रखा कि गरीबी हम लोग आ नहीं सकती भगवान करें नायक फ्यूचर किसी का समय वक्त का किसी को कभी नहीं पता होता कि कब पलट जाए बस भगवान से ये दुआ है कि कभी वो दिन ना दिखाए और अगर वो दिन दिखाते भी भगवान तो उसके लिए भी हम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ करे क्योंकि आज जितनी चीजें हम लोगों ने कमाई है वो शायद एक टाइम पे हमारे पास नहीं थी तो चली भी जाएंगी तो भी मेरे को रोटी सब्जी में मैं खुश हूँ मैं तब भी रोटी सब्जी खाता था जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं आज भी रोटी ही सब्जी खाता हूँ मेरी आप मेरी मम्मा से बात करोगे तो मेरे को पूछनी है क्या खाएगा मेरे पास दो ही चीज़ें खाने के लिए एक राजमा चावल और एक रोटी सब्जी और एक मलाई मेरे मतलब मेरे मैं बहुत बेसिक इंसान हूँ <laughs> मैं बहुत बेसिक इंसान हूँ बिकॉज सी आप पैसों से ग्रो नहीं होते आप माइंडसेट से बड़े Definitely. बनते हैं तो अनुराग जैसे कि तुम्हारा ऑनलाइन uh, प्लेटफॉर्म है यहीं पे तुम ज़्यादा एक्टिव रहते हो एंड यू जस्ट टोल्ड कि मैम कि प्रेशर भी ऐसा कंटेंट का ऐसा नहीं रहता है यू अपने लाइफस्टाइल दिखाते हो तो कहीं ना कहीं ये आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतने लोगों के साथ शेयर करते हो सो एट टाइम्स डोंट यू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ यू नो आई एम दैट कंड ऑफ अ पर्सन जो कि मैं नहीं चाहूंगी कि जो मैं हर एक सेकेंड में कर रही हूँ उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूँ एंड बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय माई ओन पर्सनल मोमेंट्स यू नो

जो बच्चे हैं hmm. जो मेड्रेन जो मेरी एज के लड़के हैं वो भी कॉन्टेंट कंज्यूम hmm. करते हैं टॉकिंग अबाउट प्रोवेसी बहुत जब आप व्लॉगिंग करते हो ना तो देर इज़ नो प्रोवेसी लाइक आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपकी जिंदगी में अच्छाई hmm. चल रही है hmm. आपको वो अच्छाई दिखानी पड़ेगी आपकी जिंदगी so. में दुख चल रहे हैं आपको वो दुख दिखाना पड़ेगा इट्स काइंड ऑफ टैबू इट्स काइंड ऑफ फोबिया फॉर सम पीपल के यार आज अच्छा चल रहा है तो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं बट एक पॉइंट पे जब सब कुछ खराब चलेगा तो लोग हमें क्या पता सपोर्ट ना करें फॉर मी मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत पॉजिटिव निकली है कि मेरे अच्छे टाइम में तो मेरे को लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है एंड मेरे जो जब मेरा बुरा टाइम चला है मेरी जिंदगी का हर किसी का बुरा टाइम आता है अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं तो मुझे उस बुरे टाइम से निकलने के लिए जो पावर मेरे को दी है ना आप मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हो आप कैसे बाहर निकल सकते हो जब आपको सामने वाला इंसान आगे बोलता है भाई टेंशन मत ले तेरा आज बुरा टाइम चल रहा है कल सब कुछ सही हो जाएगा आप इसी उम्मीद पे काम करते हो या तो हम लोग आए हम भगवान जी को प्रे करते हैं कि भगवान जी प्लीज सब कुछ सही कर दो तो वो एक होप पे काम करती है वही होप मेरे को लोगों ने दिया कि अनुराग भाई आज ठीक है एक डाउन साइड आया वी स्टैंड विद यू टू द पॉइंट जब हम लोग आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव नोट पर खड़े थे तो आज कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो भी हम आपका साथ देंगे सो so, मेरे लिए काइंड kind ऑफ of, वो एक बहुत ज़रा फेवर फेवरे फेवरेबल चीज़ निकल के आई लोगों के तरफ से कि लोगों ने जहाँ मुझे जब मैं पॉजिटिव नोट पर था सपोर्ट करा और जब नीचे भी गिरा हूँ तो भी लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा है टॉकिंग अबाउट प्रोवेसी हां जी देर आर मेजर क्वेश्चन विच अराइज़ कि भाई अब मेरी मेरा घर खुद का घर खुद का नहीं रहा नहीं। मेरी खुद की लाइफ खुद की नहीं रही लोगों को सब कुछ पता है हम बाहर जाते हैं तो फिर यू नो काइंड ऑफ थोड़ी सी दिक्कतें है होती हैं इवन क्राउडेड प्लेसेस में जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गाड़ियां बाहर निकाल लो तो दिक्कतें होती हैं बट मैं दिक्कत गलत बोल रहा हूँ लोगों का प्यार है लोग प्यार करते हैं लोग मिलना चाहते हैं नहीं तो लोग सर पे तभी तक बिठा के रखते हैं जब वो आपसे प्यार करते हैं लोग आपकी इज्जत करते हैं True. और वैसे भी अनुराग कहते हैं ना कि उगते सूरज को हमेशा सलाम रहता है तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि यूथ में बहुत फेमस हैं एवरी यंगस्टर वांट्स टू बी लाइक अनुराग भाई अच्छे से तो ये जो यू के जीरो सेवन जो नेम है आई एम श्योर कि ये हमारे कोर्स उत्तराखंड का हमारा है तो यू के जीरो सेवन नाम है लेकिन इससे कितना आपको एक एड ऑन एडवांटेज मैं कहूँगी कि वो मिला है और बींग उत्तराखंडी वेन टुडे यू आर ऑन द टॉप ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई मै से तो हाउ डू यू फील कि uh, वो जर्नी को वेन यू लुक बैक एंड टुडे वे यू आर सो एट टाइम्स आई एम श्योर वेन यू आर सिटिंग बाई ओन साइड सिपिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी रियलाइजिंग ऑब्जर्विंग कहाँ से मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो कैसे क्या, क्या आपके फीलिंग्स रहते हैं एंड फॉलोड बाय किस तरीके से आप हमारे आज के यूथ को इंस्पायर कर सकती है आपकी जर्नी आपकी जुबानी सी मैं जब प्लेटफॉर्म पे आया सो आई नो उत्तराखंड बहुत अच्छा स्टेट है hmm. लोग बहुत अच्छे हैं आपको hmm. गढ़वाली लोग मिल जाएंगे कुमांगनी लोग मिल जाएंगे प्लेन्स के लोग मिल जाएंगे बहुत सारी बहुत सारे वर्सेटाइल लोग मिल जाएंगे आपको स्टेट में बट यहाँ के मतलब स्पेशली दो कम्युनिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है गढ़वाली और कुमाऊनी ये दोनों ही कम्युनिटीज़ ना बहुत अच्छी हैं सबके अपने है, सब अपने कल्चर्स हैं सबके अपने अपने ट्रेडिशन्स हैं सबके अपनी अपनी डायलेक्ट है आई गेस हमारी आ, मैं गढ़वाली हूँ तो हमारी गढ़वाली है और जो कुमाऊनी लोग होते हैं उनकी कुमाऊनी होती है सो so, वो जो एक मिक्सचर है ना उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों का वो ना बहुत बहुत अच्छा लगता था मेरे को स्टार्टिंग से एंड मेरे को यह था कि मैं अपने स्टेट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर कर पाऊ देन इट्स यूके जीरो उत्तराखंड इज देहरादून बिकॉज मैं देहरादून में पला बड़ा बढ़ाऊ सो mm -hmm. so, मेरे को था यार कि यार मुझे अपने नाम से पहले मैं कुछ इतना कुछ कर पाऊँ कि एटलीस्ट मेरे स्टेट को मैं कही ना कहीं ना कहीं, कहीं रिप्रेजेंट कर पाऊँ आज मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी किस्मत ने मेरी मेहनत ने मेरे को साथ दिया आज की डेट पे आई फील प्राउड कि जब मेरे को बोलते हैं ना वो वो देख भाई यूके जा रहा है वो देख बाबू भैया जा रहे हैं बाबू भैया इसमाई ऑल्टर स्टेज ने बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि भाई यू के यू के यू के साथ जा रहा है सो दैट इज़ वॉट आई फील प्राउड टॉकिंग अबाउट एडवांटेज ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अपनी अपने स्टेट के लोगों को हर एक सपोर्ट करते हैं मेरे को जो इनिशियल सपोर्ट मिला था आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द उत्तराखंडी पीपल ऑल द गढ़वाली पीपल कुमाऊनी पीपल ये लोग बहुत ज़्यादा सिंपल एंड हम बहुत ज़्यादा सिंपल एंड स्वीट होते हैं हमारे चाहे आप गढ़वाली लोगों की बात कर लो चाहे आप कुमाऊनी लोगों की बात कर लो mm हमारे दिल में ना कोई छल कपट नहीं होता हम लोग बहुत ऑनेस्ट रहते है हैं हमसे कोई प्यार से बात करेगा तो हम प्यार से निपटा लेंगे दैट इज हाउ वी ट्रीट यू नो उत्तराखंड देवभूमि कहलाया जाता है बिकॉज यहाँ के लोग जब आपको ट्रीट करते हैं ना मेरे मैं 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 आपको बताता हूँ बहुत सारे दोस्त जब उत्तराखंड आते हैं ना तो दे फील हैप्पी कि भाई उत्तराखंड में लोग इतने ज्यादा सिंपल हैं मतलब चलाक नहीं है आप बाहर चले जाओ आपको बाहर के लोग थोड़े से चलाक मिलेंगे बट हम लोग बहुत सीधे साधे लोग मिलेंगे टॉकिंग अबाउट दट एडवांटेज ऑब्वियसली बात है मैं अपने स्टेट से मुझे हमेशा से सपोर्ट करा हर जगह से सपोर्ट करा चाहे वो यूके जीरो वन हो टू हो थ्री हो फो फाइव हो, 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 हो सिक्स आप लगा लो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे पीछे मेरा बैकअप स्टेट खड़ा है टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने स्टेट के बाहर भी उतना ही सपोर्ट कमा पाऊँ आसाम उड़ीसा जयपुर लखनऊ साउथ में भी काफी फैंस बहुत क्रेजी मतलब नॉर्थ ईस्ट में

मोमेंटम में कोई बोलता था ना भाई कुछ हो जाएगा तो समझ नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर वो बहुत रेज होता है बट हाँ मैंने स्पीड टच टच करिए हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट करें बट आई नेवर प्रमोटेड स्टंट्स अच्छा अनुराग जो भी पेरेंट्स होते हैं वो डरते हैं इस एज में बच्चों को बाइक देने से जी. और आपने तो बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं सो हैविंग सेड दैट आपके पेरेंट्स ने जो स्टार्टिंग में जब थे तब उन्होंने कैसा आपको लाइक like, ट्रीट किया लाइक वो एट दैट टाइम और आज के टाइम पे तो है ही सपोर्टिव बिकॉज नाउ देव सीन योर जर्नी देव यू ग्रोइंग सो वट यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर सक्सेस एक सक्सेस के पीछे बोलते हैं कि एक औरत का हाथ होता है राइट ये सच में ट्रू है मैंने मेरे पापा टीचर है तो मैंने हुँ. पापा को बोला मैंने कहा भाई अब तो जॉब चली गई क्या करूँ जिंदगी में सो so, मैं आपको बताता हूँ मम्मा से न, आप कुछ भी करवा सकते हो अगर आपको घर में कुछ काम करवाने अपनी जिद मनवानी है न, मम्मा को पटा लो आपके घर के काम ऐसे हो जाएंगे सो so, मैंने मम्मा को बोला मैं देखो आप सच में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को एक साल का वक्त दे दो अगर मैं यूट्यूब में कुछ कर पाया तो ठीक नहीं तो फिर उसके बाद जो जिस जोन में मैं था मैं उसी जोन में वापस चले जाऊंगा क्योंकि लॉकडाउन पता ही नहीं चल रहा था कब तक खुलेगा लेगा एक महीना दो महीना तीन महीना आई गेस तीन महीने का प्रोलॉन्ग पीरियड था वो लॉकडाउन का सो so, मैंने मम्मा को जब ये चीज़ें बोली तो मेरे घर वाले म, मम्मा ने पापा को बताया एंड फिर मेरे पापा भी उतने ही सपोर्टिव हैं माई माई डाड इज़ अ डैम क्रीजी मैन मेरी फर्स्ट जो यूट्यूब वीडियो वायरल हुई थी वो मेरे डैड के साथ ही हुई थी ही इज़ वेरी सपोर्टिव मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ ना कि भाई मुझे ब्लॉग शूट करना है ये करना है रात के बारह बारह दो दो बजे तक हम लोगों ने शूट करे एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इन एनी सेंस मुझे नहीं लगता कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स mm. हर किसी को मिल जाते हैं क्योंकि घर वालों को समझाना ना एक बहुत बड़ी महाभारत है

सो बड़ा बच्चे कि मेरे घर वाले उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सपोर्टिव रहे उन्होंने हमारी जनरेशन के आइडिया आइडियोलॉजी को समझा दैट टीचर थे तो डाट यूज टू टैकल अ लॉट ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑन द डे ऑन एस डेली बेसिस कि एक एक बच्चे को ना पढ़ाई ही सक्सेसफुल नहीं बना सकती मुझे लगता है कि वो पैशन सक्सेसफुल बनाता है फिर चाहे वो सिंगर हो चाहे वो बाइकर हो चाहे वो डांसर हो चाहे वो व्लॉगर हो या च, मेरे को हमेशा कॉन्टेंट क्रिएशन पसंद था आई वुड से मोर देन अ ब्लॉगर एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर सो मोर देन अ इन्फ्लुएंसर एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर आपने आपने एक क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर uh, नहीं कर पाया था आपने बोला था कि हाउ डू यू इन्फ्लुएंस ऑन दंग जनरेशन काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन था सो आई डोंट टू बी एन इन्फ्लुएंसर आई एम जस्ट अ कॉन्टेंट क्रिएटर शेयरिंग माई लाइफ मैं बस एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपनी मेहनत से या हार्डवर्क से कर लिया mm -hmm. तो यू कैन बिल्ड अ एम्पायर

पैसा फेम हो सकती है राइट या आपके सेंस में या लोगों के दिमाग में हो सकता है कि यार आज ये इतना फेमस है कल शायद इतना फेमस ना हो आज मैं बाहर निकलता तो मेरे पास हज़ार लोग फोटोज़ खिंचाने के, के लिए आते हैं कल शायद वो ना आए लोगों के मन में ये सस्टेनेबिलिटी रहती है कि आज इसके पास सुपर बाइक सुपर कार्स हैं कल शायद इसके पास ना हो फॉर मी मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी ये है कि मैंने जो अपने सपने पूरे कर, करने थे वो मैंने कर लिए मैंने जितना अपने माँ बाप के लिए एक स्टेबल बुढ़ापा सेट करना था वो मैंने कर लिया जो मेरे को रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मेरे को जो चीजें मेरी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो मैंने कर ली आई डोंट गिव अ डैम कि अगले दिन मैं फेमस रहूं ना रहूं अगले दिन मेरे पास पैसा आए ना आए सो मेरे को यह था कि मैं अपने घर वालों के लिए वो एक बुढ़ापा सस्टेन कर पाऊँ जो वो चाहते थे एंड एंड दैट दैट अ ड्रीम फॉर मी आई गेस मेरे लिए वो सस्टेन हो चुका है तो मुझे बाकी चीज़ों से शायद अब आज की डेट पर फर्क भी नहीं पड़ता अनुराग को कौन इंस्पायर करता है कि ये बिल्कुल बिना रुके चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है टच वोट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड कौन इंस्पायर करता है लाइक uh, like, मेरे पिताजी माय डैड ही इज़ लाइक सिक्सटीज़ मैं आपको भी बोला एंड अभी भी वो दिन रात यू you नो know, पढ़ाई पे अभी भी आई लाइक like, इतने एज जा में जाकर के उन्होंने एमए ए एमए इंग्लिश से कंप्लीट करा ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एमए इकोनॉमिक्स आई डोंट नो कौन कौन सी क्या क्या डिग्रीज हैं ही इज़ द पर्सन जिनके जो जो बहुत फ्यू टीचर्स हैं इंडिया में जिनको दो बारी नेशनल अवार्ड मिले राइट जब मेरे पिताजी नेशनल अवार्ड जीतने के बाद नहीं रुके एंड उसके बाद भी अभी वो कि मैं उनके पीछे और एक बड़ी वॉल खड़ी करता रू खड़ी करता रू अनुराग वो कहते है ना कि किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है और जो खराब घड़ी होती है ना वो भी दिन में दो बार सही वक्त जरूर दिख है इजेंट इट तो पूछना चाहूँगी कि जो तुम्हारा ये पूरा का पूरा एक ये सिस्टम आपने एक डेवलप किया है ये क्या टारगेट है कितने मिलियंस और कितना किया व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट कहाँ तक अनुराग को पहुँचना है कुछ सोचा होगा माइंड में क्या है वो तो वो चीज़ें डेफिनेटली uh, मतलब हम लोगों ने सी मैंने मेरे लिए नंबर्स गेम अब खत्म हो चुके हैं मेरे को अब नंबर्स गेम हेट नहीं करना है मैं मैं क्योंकि मैं मेरे जब 100, मेरे जब फर्स्ट 500 हंड्रेड सब्सक्राइबर्स हुए थे ना मैं तब शायद बहुत खुश था आज हम लोग मिलियन सेट कर रहे हैं वीडियो ट्रेंडिंग पे हम लोगों के okay, हर ब्लॉग ट्रेंडिंग पे लोग पसंद करते हैं इंस्टाग्राम इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट फाइन सो वट आई फील लाइक कि मेरे लिए नंबर्स गेम अब ओवर रूल हो चुका है वट आई फोकस वट आई एम फोकसिंग राइट नाउ लाइक सम ऑफ माई ओन चोज मुझे लाइक like, मेरे को खुद का एक ऐसा एम्पायर बिल्डअप करना है अपने शोज के रिगार्डिंग अपना एक नया कॉन्सेप्ट ला करके जिसका किंग भी मैं हूँ और वर्कर भी मैं हूँ ये गेटिंग माई पॉइंट कि मुझे अब एक अपना कैटेगरी सेपरेट सेपरेट जोन से जीरो से स्टार्ट करना है आज के जितने भी शोज है ना वो टीआरपी बेस्ड हो चुके हैं कि भाई लड़ाई हो गई तो भाई बिक गया बट आई वांट टू डू समथिंग जो बाइकिंग से रिलेटेड हो जो यू नो काइंड ऑफ एक एक बाइकर की लाइक स्टोरी डिनोट करे वट ही स्ट्रगल गो थ्रू मतलब ऐसा कुछ अभी अभीट hmm. नहीं करा है कि हम लोगों को क्या शो करना है बट दैट इज अन्ट कि मुझे एक बाइकर शो बनाना है एंड वो मैं बना के रहूंगा ग्रेट अनुराग एक ऐसी चीज विच तुम्हें याद हो कि ये इससे मेरा यू टर्न आया लाइफ में मैं आपको बताया था कि मैंने जब लॉकडाउन uh, में अपने घर वालों को मैंने वो एक स्टेटमेंट दी थी मैंने कहा भाई प्लीज

कलम की एक लाइन है कि ना ही मेरे बड़े सपने आ, बस मुझे अप पापा को रोलेक्स दिलानी है और मेरी बेटी अपने दादा के कंधे पे घूमे मेरे को वही सपना जीना काइंड ऑफ kind of दस्ट डीजा द रिलेक्स तो मेरे सपने बड़े नहीं है बस मुझे एक घर वालों को घर दिलाना है वो ऑलरेडी घर है बट मुझे उनको और और, लक्षिरियस लक्षिरियस और मेरे घर वाले भी लग्जरी फॉलो अप नहीं करते हैं हाँ, हाँ। इतने आ, मुझे लगता है कि जो आपके संस्कार है ना अनुराग इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लाइफ में जिंदगी में बहुत पैसा कमा ले एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो फिर भी एक समय आता है जब उसको लोग उसको तभी चाहते हैं अगर वो ग्राउंडेड होगा वो धरती से जुड़ा हुआ होगा लोगों को समझेगा लोगों को लोगों के भावनाओं को समझेगा वो चीज़ तुम्हें तो बहुत दिखाई देती है एंड आई एम सो हैप्पी टू नो योर पेरेंट्स आर रोल्स वेरी ग्राउंडेड उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा स्टार है और वो चीज़ तुम तो भी नहीं है दैट्स द बेस्ट बट ना कभी आगे रखना इस चीज़ का अनुकान तो वक्त निकल चुका है उस चीज़ बिल्कुल और आगे भी यू नो जब आप एक स्टेज में आगे बढ़ते हो देयर विल बी पीपल टू पुल यू डाउ जी नेगेटिविटी आएगी ही आएगी मान लो क्योंकि uh, मेरे पिताजी मुझे कहते हैं अनुराग कि विरोध भी उसका होता है जिसका वजूद होता है Exactly. अगर आपका वजूद है तो ही आपके विरोधी ज़्यादा वरना तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आई एम सो हैप्पी टू नो अबाउट योर जर्नी अनुराग तो ये जैसे जब हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड का बच्चा है यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं बाहर जब जाते हैं तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं अनुराग फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट यू हैव स्पेंड कपल ऑफ यू नो गुड टाइम इन मुंबई एज वेल इन अदर स्टेट्स ऑल्सो तो जब वहाँ पे आप जाते हो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो टैग्ड हैं आई डोंट नो कि क्या डेफिनेशन है सेलिब्रिटी का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है असली सेलिब्रिटी वो है जो कि छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं को समझो उसको फॉर मी अ सेलिब्रिटी इज़ दैट पर्सन बट बाहर पे क्या वो एक एंड शो है क्या दिखावा है कैसे आप यहाँ के कल्चर से वहाँ जब जाते हैं सो व्हाट आर दिस थिंग्स इन योर माइंड अनुराग एंड कैसे आप अपने uh, उसमें स्टिक रहते हो यू नो गेटिंग माय पॉइंट लाइक हाउ यू आर एबल टू बी वेरी प्राउड उत्तराखंडी अमंग्स पीपल हु आर एक्चुअली लीडिंग अ फेक लाइफ फेक लाइफस्टाइल सो हाउ डू यू जस्ट मैनेज विद सच सिचुएशंस मैं आपको एक चीज बताता हूं आज के टाइम में सेलिब्रिटी शब्द ना बहुत गलत हो चुका है व्हाट आई विल से कि देयर आर टू थिंग्स एक फेम और दूसरा इज रिकॉग्निशन सो आई प्रेफर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड देन बीइंग फेमस मैं अगर यहाँ से घर से मैं अगर देहरादून तक भी जाऊँगा ना चाहे वो फाइव स्टार होटल वाला हो या चाहे वो ठेली वाला जो मुझे सब्जी बेच रहा हो या चाहे वो ऑटो वाला हो जो बगल में जिस मेरी फॉर्चुनर के बगल में किसी कोई अगर ऑटो वाला है ना हुँ हुँ. या वो बच्चा जो शाम को अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए आ, वो कोई सामान बेच रहा हो रोड पर मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉम दैट फाइव स्टार गाय टू दैट केट हुई सपोर्टिंग एज फैमिली ऑन रोड Hmm. मैं भीख मांगना नहीं बोलूंगा बिकॉज वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है अपने फैमिली के लिए दैट पर्सन फ्रॉम दैट पर्सन टू दैट पर्सन दैट पर्सन नोज मी मेरे लिए वो फेमस होना नहीं है मेरे लिए वो बींग रिकॉग्नाइज है सो आई प्रेफर रिकॉग्नेशन ओवर फेमस सोशल मीडिया पे सब लोग मैं तो मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पे कोई कितना फ्लैक्स कर ले कोई mm -hmm. कितना भी अमीर हो बट एट द एंड ऑफ द डे आकर के राजमा चावल और रोटी मलाई ही खानी पड़ती है फॉर मी एटलीस्ट मैं एट द एंड ऑफ द डे आकर के यही कहता हूँ आई कैन स्पेंड थाउजेंड लाख रुपीज इन द इन लग्जीरियस लाइफ बट मेरे को नहीं पसंद हाँ आज की डेट में कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं शूज अच्छे पहनने पड़ते हैं कि वो है कि लाख रुपए का जूता पहन के घूम सकते हो बिकॉज आपको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सोसाइटी में Maintain बैठना पड़ना बैठना पड़ता है अगर मेरे को नहीं बैठना पड़े ना तो मैं तो क्रॉक्स में भी बाहर निकल बट इज एक जब आपका हो जाते, तो आपको फॉलो करना पड़ता है टाबू क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा मतलब फिर मैं आपको बताता हूँ लोग ये बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है दिखावा नहीं है Capable of, और मैं उसे afford कर सकता हूं। hmm. But जब आप capable नहीं कर, होते चीज़ हो के और आप तब दिखाते हो कि आपने आपकी जिंदगी उधारी फ्लेक्स करते हैं ना देन इट गोज इट बैक मेरे को मेरी गाड़ियों को मेंटेन करते हुए पांच साल हो चुके हैं आज भी लामबो बार खड़ी और आज भी मस्ट रीसेंटली सत्रह अट्ठारह के बाद तो शौक है ये हाँ में को, में को ये शौकशन का, 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 का।, का। चलाते मतलब, का, तो फिर भी निकाल लेता हूँ फॉर्चूनर अभी मेरी फेवरेट है। मैं नहीं नहीं। निकाल लेता हूँ लांबो कभी का कभी हफ्ते पंद्रह दिन दस दिन में कहीं जाने को हो गया तो हम लोग निकाल लेते हैं बट मुश्किल हो जाते हैं लैम्बो अभी हम लोग लैम्बो और मस्टैंग लेकर के आए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाहर निकालना बिकॉज सिक्योरिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और जो कुछ हमारे यंगस्टर्स हैं ना अनुराग ये जो आपके आपके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं ये सब लेकिन स्ट्रगल को क्या होता है ना लोग नहीं देखते लोग सिर्फ देखते हैं कि आज अनुराग के क्या है और आज इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉर्टकट बच्चे हैं ना उनको है कि नहीं मेरे को वैसी गाड़ी चाहिए मुझे ये चाहिए तो शॉर्टकट अपनाते हैं तो ऐसे में क्या उनको मैसेज दोगे कि यार हार्ड वर्क है यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इतने साल का स्ट्रगल है प्लीज़ टेल दीज व्यूअर्स जो यंगस्टर्स देख रहे हैं एंड देर इज़ नो शॉर्टकट प्लीज़ अनुराग टेल द व्यूअर्स लाइक like, जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा देर इज नो शॉर्टकट आपको मेहनत करनी पड़ेगी कभी उस मेहनत का फल आपको मिल जाएगा जल्दी कभी नहीं मिलेगा शायद बट द की पॉइंट इज़ कि आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अगर आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट हो ना तो आज नहीं तो कल आपको वो मुझे लगता है सक्सेस बहुत गलत डिफाइंड है यू नो आज की कैटेगरी में आज की डेट पे वही सक्सेसफुल इंसान है जिसके पास मोटी चेन मोटा पैसा मोटी गाड़ियाँ चल रही हैं फॉर मी सक्सेस इज मेकिंग अ पेरेंट्स हैप्पी अगर तुम्हारे घर वाले खुश हैं ना फिर चाहे तुम तो महीने के दस हजार रुपए कमा रहे हो या दस लाख रुपए कमा रहे हो फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दस माँ बाप को खुश रख सकते हो और दस लाख में भी तुम्हारे घर में कलेश हो रहे है, तो वो सक्सेस नहीं है मेरे लिए कमाने से क्वेश्चन आया अनुराग कहते हैं लड़की की उम्र और लड़कों से तनख्वाह नहीं पूछा करते लेकिन मैं चाहूंगी कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है तो कितना अनुराग की होने को जाती है यूट्यूब से ऐसा होता है कि बस मतलब आप दो टाइम की रोटी खाने आराम से खा सकते वेरी डिप्लोमेटिक आंसर दो बट ये है कि नहीं इट्स इट्स गुड अनुराग देखो सब लोग अच्छा आप अच्छा कर रहे हो आई थिंक कि लेकिन इसमें भी आगे क्या कुछ बेटर आप सोसाइटी को दे पाओगे अनुराग क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है पीपल आर इवन सक्सेसफुल पीपल वो कमा रहे हैं अच्छा लाइफ जी रहे हैं लेकिन आई थिंक इफ़ यू आर लव्ड बाई सो मैनी पीपल अनुराग यू शुड ऑलवेज हैव डिद इन दैट वट शुड आई रेंडर टू दोसाइटी सो मैं आपको बता दूँ दिस इज नॉट फ्राम टूडे Mm -hmm. uh, मेरे को जब यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम आने लग गया था तो हमारी एक फाउंडेशन है यूके जीरो सेवन फाउंडेशन अभी रिसेंटली आईवेंट टू बिग बॉस एंड उस फाउंडेशन में हम लोग हर महीने एक दो लाख रुपए से लोगों को हेल्प आउट करते हैं बी टेन वन हमारे पास हजारों मेल्स आते हैं डेली के uh, बाबू भैया में ये हेल्प आउट चाहिए सो विद पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने लोगों को उनकी कॉलेज फीस उनके मेडिकल एक्सपेंसिस किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ चाहिए था वी हैव हेल्प डाउट कॉलेज फीस ट्यूशन फीस स्कूल फीस सो हमारी ऑलरेडी यू के जीरो सेवन फाउंडेशन चल रही है जिसमें वी uh, मैंने अपनी बिग बॉस की फिफ्टी परसेंट इनकम ऑलरेडी उसमें डोनेट करी थी वाई इज़ अनुराग स्पेशल मेक्स यू स्पेशल और हाउ कैन वेक्स यूल मुझे ऐसा लगता है कि मैं special, special, कि मैं मैं स्पेशल स्पेशल इफ़ यू टू कोट मी जब मैं कुछ भी नहीं था ना तब मैं उन लोगों की इज्जत करता था और वो मेरी इज्जत करते थे आज मैं शायद बहुत कुछ हूँ लोगों की नजरों में बट मैं आज भी उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जब मैं तप करता था जब मैं कुछ नहीं था आज हाँ वक्त देना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को एक quest, एक रहती है लोगों की अनुराग hmm. वक्त नहीं दे सकते बट अगर मैं किसी से मिलता हूँ भले ही वो पांच दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड एक मिनट की कॉन्वर्सेशन होती है आई ट्राई मा बेस्ट कि मैं उस बंदे को कम्फर्टेबल फील करा सकू और मैं उसे उतना ही कंफर्टेबल फील करा सकूं जितना वो हिचकिचा रहा होता है मेरे से मिलने के लिए और एक ऐसा खास पर्सन अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स Who's always always stood by your your side and you you look up to that person whenever uh, you are in your highs or lows. मैं आपको बताता हूँ ऐसे बहुत लोग आए हैं जो मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा बट रियालिटीज <laughs> कि वो जितने भी लोग खड़े थे ना सब अपने फायदे के लिए खड़े थे मैं किसी के भी नाम कोट करूँगा आज hmm. की डेट पे. सब लोगों ने मतलब उस टाइम नहीं पता लगा कि उन लोगों ने आपके फायदे उठाए मेरे माँ बाप के अलावा खड़े थे उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं फ़ायदे उठाए एंड आपको लगता होगा कि मैंने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट करा अपनी दोस्ती में अपनी यारी में एंड उस दोस्ती यारी में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदे उठाने की कोशिश करी है अपने करियर बनाने की कोशिश करी है बट मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा और मैंने कभी किसी का हराम का नहीं खाया और मैंने कभी किसी का फ्लैक्स करके नहीं खाया और अनुराग अबाउट बिग बॉस आई बल्सोट इन टू इट बिकॉज आई थिंक ऑल इज नॉट गोल्ड बाई द एंड ऑफ द डे ओके तो मैं तो ये कहूंगी गुड वर्क मुझे नहीं लगता कि आज तक शायद से कभी ऐसा होगा कि मैं कभी विदाउट हेलमेट ऐसे बाहर चला गया हूँ इवन हाँ मतलब जब तक अक्कल नहीं थी जब तक आपको समझ नहीं थी तब तक आपने करा होगा बट वैन यू गेट मेर इनफ कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये नहीं पहनता तो हम क्यों बहने देन इट बीट बी सीट बेल्ट बी एट बी हेलमेट स्पीड पे प्रोटेक्टिव गैस हेलमेट हेलमेट इज अ मस्ट सो हमारा मोटो ये बी सेफ राइट सेफ इट्स ऑल अ मैसेज टू यू जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट पहन करके चलाओ एक्सीडेंट होना किसी के हाथ में नहीं है बट हम लोग डैमेज कंट्रोल करना हमारे हाथ में लास्ट बट नॉट नॉट दिल्ली वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स इन मी विद माय किड्स दैट इज दैट वाज अ वेरी स्वीट माय किड्स विद माय विद देयर ग्रेट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स दैट्स इट ग्रेट तो दर्शकों ये थी हमारी एक छटचाट विद अनुराग डोभाल और किसी ने सही कहा है कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो इरादों को उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते तो इसी पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात नौ बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर आप हमारे आज के खास मेहमान अनुराग डोभाल को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त नमस्कार हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं आप स्कूल कॉलेज और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशन में पारंगत होना चाहते हैं तो चाहे आप विद्यार्थी हैं वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर वी We are here to make your communication skills way better. summer batch ke liye kere, Dr. Kanchan Negi, Founder, a Brilliant English International Institute, Dehradun.